The theme of this conference was the revitalization of biomedical industry through indigenous development. डॉक्टर ताजवर, थर्ड इंटरनेशनल बायोमेडिकल और डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ अभी एनएडी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या कॉन्फ्रेंस के अगराज और मकासद थे? एक्चुअली द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज द रिवाइटलाइजेशन ऑफ बायोमेडिकल इंडस्ट्री थ्रू इंडिजीनियस डेवलपमेंट. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ माशाल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और दे आर इन टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स सच एज रिहेबिलिटेशन एंड असिस्टिव डिवाइसेज एंड द सेल्फ हीलिंग मटेरियल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेज दैट स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन. बट What else? इसके बाद क्या है? Because यहाँ पर तो हम एक prototype develop कर लेते हैं, but are we able to launch those into the market? There comes the role of the industry. So basically, इस IPDC, third IPDC का जो whole and sole purpose था वो ये था कि how are we going to establish the local biomedical industry, and it can be only possible with the collaboration of industry and academia. So I hope that at the end of this conference we will be able to plan that how we can do this, and so there will be some implementation after that. कौन कौन से स्पीकर्स आपने बुलाए, कहाँ से? हमारे जो कीनोट स्पीकर्स थे दे वर फ्रॉम ऑल्सन्स ग्रुप इंडस्ट्रीज एंड टेक फॉर लाइफ. तो एंड वन ऑफ देम फ्रॉम टेक फॉर लाइफ वाज एक्चुअली अवर एलुमनस मिस्टर एस एन अब्बास. सो इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट दैट ही शेयर्ड हिज यू नो ideas with us that how ऑल्सन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टेक फॉर लाइफ बोथ आर यू नो into the generation of into the implementation of these ideas, and kaise wo log apni devices jo hain wo Pakistan based devices bana rahe hain, like digital devices, health devices. अच्छा, आम तौर पे तासुर ये है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रिसर्च हो रही है वो किसी और ही सैयारे के हवाले से हो रही है, उसका सोसाइटी से रेलेवेंस इतना नहीं है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हम लोग जो स्टूडेंट्स जिन प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहे होते हैं वो सोसाइटल प्रॉब्लम्स ही होती हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल तो यही है ना कि हमारे यहाँ जो अभी COVID-19 आया था वर्ल्ड वाइड, तो लोगों ने वो प्रोजेक्ट्स बनाए, उनको डेवलपमेंट में लेके आए जिसकी हमें नीड थी एट द टाइम. उस वक्त उससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि वेंटिलेटर्स जो हैं दे आर दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनकी शॉर्टेज हुई तो हमें पता चला. तो जब हमें पता चलता है तो ही प्रॉब्लम कहीं रेज होता है सोसाइटी में, तभी उस पर सोल्यूशन फाइंड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करंटली जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें वन ऑफ दैम इज यू नो एक व्हील चेयर है जो डिज़ाइन की जा रही है फॉर डिसेबल पीपल, दैट इज़ फॉर पोस्टरल इंक्लिनेशन, आई मीन उनका जो पोस्चर है वो सही करना. इसी तरह से पेशेंट लिफ्टर, आपने ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये केयर गिवर जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हैज़र्डस होता है सारा कुछ. वो अपनी बोन्स उनकी बोन्स जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, एंड देन जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बार बार इधर से उधर मूव करना बहुत मुश्किल होता है. तो ये सारे जो रीपोजिशनिंग सिस्टम्स होते हैं वो ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं करंटली, बट इट वुड बी गुड ऑब्वियसली इफ वी आर एबल टू डेवलप इन अवर ओन कंट्री. थैंक यू वेरी मच.